हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्लूमिंग फ्लावर। आज हम आए हैं एक नई एक्सपीरियंस शेयर करने, एक नई वीडियो के साथ। आज हमारा टॉपिक है कि हम बच्चे को कैसे सर्दी जुखाम से बचाएं, यानी हम ऐसी किन बातों का ध्यान रखें जैसे कि हम बच्चे को सर्दी जुखाम होने से पहले ही उसका प्रिवेंशन कर पाए। क्योंकि मोस्टली बच्चों को सीजन चेंज होने पर सर्दी जुकाम हो ही जाती है, तो हमें आज कुछ बातों की ज़रूरी टिप्स मिल जाएगी जिस वजह से हम पहले से ही प्रिवेंशन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप कोई ज़रूरी जानकारी मिस ना कर दे। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले बच्चे को फ्लू वैक्सीन लगाइए। फ्लू वैक्सीन बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए, ये इम्यूनिटी बूस्ट करता है और बच्चे को इन मोस्ट केस जो सर्दी जुकाम होता है वो सीजन चेंज होने पर ही होता है, और फ्लू वैक्सीन सीजनल फ्लू को होने नहीं देता है। ये बच्चे का इम्यूनिटी पावर बूस्ट करता है और अगर बच्चे को सर्दी जुकाम इनकेस हो भी जाता है तो वो कम होता है। एक साल तक बच्चे को मदर फीड देना बहुत ज़रूरी है। इवन डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि एक साल तक बच्चे को मदर फीड दिया जाए। ये बच्चे को कंप्लीट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, साथ ही उसका जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है वो बढ़ाता है, इम्यूनिटी पावर बूस्ट करता है। ये बच्चे के लिए अमृत माना जाता है। तो एक साल तक बच्चे को मदर फीड ही दीजिए। जब बच्चे का बेस ही स्ट्रॉन्ग रहेगा तो उसको बड़े होने के बाद भी उसको इन छोटी मोटी चीज़ों से प्रॉब्लम नहीं होगी और बहुत सारी बीमारियों से भी बचा रहेगा। बच्चे को ठंडा गर्म मत कीजिए। जस्ट लाइक बच्चा बाहर से खेल के आया है, उसको आते ही एसी में बैठ गया या फिर ठंडा पानी पी लिया, इससे भी बच्चे को सर्दी जुकाम लगने के चांस हो सकते हैं। बच्चे के कपड़े का ध्यान रखिए। बच्चे को सीजन के हिसाब से ही कपड़ा पहनाइए। अगर हल्की ठंड पड़ गई है तो उस हिसाब से बच्चे को फुल कपड़ा पहनाइए या फिर बच्चे को लेयर वाइज कपड़ा पहनाइए। जस्ट लाइक सुबह के टाइम जैसे कि ज़्यादा ठंड होती है तो उस हिसाब से बच्चे को ज़्यादा कपड़ा पहनाइए। जैसे जैसे धूप आती जाएगी तो आप एक एक लेयर हटाते जाएंगे, फिर इवनिंग में आप लेयर डालते जाएंगे। तो बच्चे का कपड़े का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर इन छोटी छोटी चीज़ों को आप लापरवाही कर देंगे तो फिर बच्चे को सर्दी जुकाम भी हो सकते हैं। बच्चे को फ्रीज, एसी, आइसक्रीम, इन सारे चीज़ों को बचपन से ही आदत में मत डालिए। बच्चे को जितना हो सके नेचुरल बड़ा होने दीजिए, नेचुरली उसको रखिए और स्वस्थ रखिए। अगर बच्चा छोटा है और उसने कपड़ों पे ही अपना पी कर लिया है या पू कर लिया है या फिर ऐसे ही पानी में वो गीला कर दिया है तो बच्चे को इंस्टेंट कपड़ा चेंज करवाइए। उससे थोड़ा सा भी लापरवाही मत कीजिए जिससे बच्चे को सर्दी जुकाम से बच्चा बचा रहेगा। बच्चे को पानी उबाल कर ही पिलाइए और रूम टेम्परेचर पे ही पिलाइए। बच्चे का जो पानी है उसको ठंडा गर्म मत कीजिए। जस्ट लाइक सीजन गर्मी का हो गया है, बहुत गर्मी हो रही है तो आपने क्या किया, उसको ठंडा पानी पिला दिया, तो इससे बच्चे को सर्दी जुकाम लग सकती है। तो बच्चे का जो पानी का टेम्परेचर है वो हमेशा नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए, चाहे वो सर्दी हो या गर्मी हो। हमेशा बच्चे का जो पानी है एटलीस्ट 2 साल तक की बच्चे का पानी को उबाल कर ही पिलाइए और रूम टेम्परेचर पे ही पिलाइए। बच्चे के लिए डेली मसाज बहुत ज़रूरी है। इससे ना सिर्फ बच्चे का बोन स्ट्रांग होता है, साथ ही उसका मेंटली डेवलपमेंट होता है, उसको इम्यूनिटी बूस्ट होता है, सर्दी जुकाम जैसे और भी कई बीमारियों से बच्चा बचा रहता है। और इवन अगर बच्चे को सर्दी जुकाम हुआ भी पड़ा है तब भी आप डेली मसाज दीजिए। इससे क्या होगा, बॉडी का जो गर्माहट से कफ पिघल जाएगा और बच्चे को आराम मिलेगी। हाइजीन रखिए, बच्चे को रोज़ धुले हुए कपड़े पहनाइए और हाँ, बच्चे को रोज़ नहलाइए। चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, कोई भी सीजन हो, बच्चे की जो आदत है वो शुरू से रोज़ नहाने के ही होना चाहिए। ऐसे में क्या होता है, अगर शुरू से ही वो रोज़ नहाएगा तो उसको सर्दी में भी अगर वो नहाता है तो उसको ठंड नहीं लगेगी। इवन मैं पीहू को भी चाहे ठंड हो, बारिश हो, गर्मी हो, रोज़ उसको नहलाने की आदत लगा रही हूँ और वो रोज़ नहाती है। कितनी भी ठंड पड़ जाए वो नहाती है और उसको ठंड भी नहीं लगती है। साथ ही रोज़ सुबह बच्चे को सूरज के किरणों में बिठाइए, ये बहुत अच्छा रहेगा बच्चे के लिए, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए। और विटामिन डी का जो बेस्ट सोर्स है वो सूरज के किरण है, बट आप ध्यान रहे कि अर्ली मॉर्निंग ही आप बच्चे को सुबह का किरण दे पाओ। और ये इम्यूनिटी बूस्ट करता है जिससे बच्चा सर्दी जुकाम जैसे और भी कई बीमारियों से बचा रहेगा। रोज़ एटलीस्ट 1 घंटा बच्चे को सुबह के टाइम बाहर वॉक पे ले जाइए और इवनिंग में 1 घंटा उसको बाहर खेलने दीजिए। जस्ट लाइक नेचुरल एनवायरनमेंट में उसको खेलने दीजिए जहाँ पे ग्रीनरी हो,
इससे बच्चे का इम्यूनिटी पावर बूस्ट होता है, बच्चे को फ्रेश फील होता है, बच्चा एक्टिव होता है और सर्दी जुकाम जैसे बीमारियों से बच्चा बचा रहता है, और अगर होता भी है तो कम मात्रा में होता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो के मदद से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, आपकी बच्चे का अच्छी डेवलपमेंट होगी, ग्रोथ होगी और उसका इम्यूनिटी पावर बूस्ट होगी और सर्दी जुकाम जैसे और भी कई बीमारियों से आपका बच्चा बचा रहेगा। सो जाने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके ही जाइएगा, क्योंकि हमें भी आपके सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि हम आगे भी आपके लिए और भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो ला पाए और आपकी पेरेंटहुड आसान बना पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्लूमिंग फ्लावर।